लैंग्वेज, ज्योग्राफी, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, एक और कॉन्टेक्स्ट भी है, टाइम। एक जनरेशन थी जो बगैर टेक्नोलॉजी के बड़ी हुई, ये जनरेशन टेक्नोलॉजी में ना सिर्फ सर्वाइव कर रही है, हमें इन्हें सिखाना है कि वो इसमें थ्राइव करें। डॉक्टर साहब ने एक मिसाल दी कि हम पहले, मैं बहुत सारी बातों से इत्तेफाक करती हूँ, सोक्रेटीज़ का भी इन्होंने जिक्र किया, जब दुनिया में राइटिंग डेवलप हुई थी तो सोक्रेटीज़ ने कहा था कि ये दुनिया को तबाह कर देगी क्योंकि लोग मेमोरी पर अब रिलाई नहीं करेंगे। वी हैव टू इवॉल्व विद द टाइम्स। चैट जीपीटी इज़ नॉट एन एनिमी। चैट जीपीटी इज हाउ स्टूडेंट्स विल नाउ प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स। इट इज़ हाउ वी मस्ट प्रिपेयर द एग्जाम्स ऑन विच दे आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड। तो आपकी जो बात है कॉन्टेक्स्ट की, वो अब उस कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत बड़ी कैटेगरी ऐड हो गई है, विच इज़ हाउ इज़ द वर्ल्ड चेंजिंग। और अब जनरेशन गैप 2 ईयर्स पे आ गया। व्हाट दैट मीन्स इज मुझ में और मेरे पेरेंट्स में एक जनरेशन गैप है, यानी जिस दुनिया में मेरे वालदैन बड़े हुए और जिस दुनिया में मैं बड़ी हुई वो बहुत डिफरेंट है। उतना ही जनरेशन गैप मुझ में और मुझसे मेरे 10 साल छोटे भाई में है, यानी जनरेशन गैप छोटा हो गया। अब जनरेशन गैप 2 साल पे है, यानी एक 4 साल का बच्चा और एक 2 साल का बच्चा एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया में बड़े हो रहे हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट आपने एजुकेशन में लाना है। जब तक आप इस कॉन्टेक्स्ट को एड्रेस नहीं करेंगे तो आप एब्सोल्युटली यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल विद नो जॉब प्रॉस्पेक्ट्स एंड ऑल अदर काइंड्स ऑफ सोशल इल्स। अब कॉन्टेक्चुलाइजिंग के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो निसाब है वो मिनिमम स्टैंडर्ड हो। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जब भी कोई चीज़ मैक्सिमम स्टैंडर्ड बन जाती है, दैट्स वन साइज फिट्स ऑल, आप यू रिमूव ऑल स्पेस फॉर एनी डाइवर्सिटी। और मैक्सिमम स्टैंडर्ड तो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, करता ही नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मैट्रिक में इतना पढ़ना है या मास्टर्स में इतना पढ़ना है, उससे आगे नहीं पढ़ना, या ये 2 किताबें पढ़ने की इजाज़त है, तीसरी किताब पढ़ने की इजाज़त नहीं है। इट्स जस्ट अनरियलिस्टिक टू थिंक लाइक दैट। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन दुनिया के बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम्स में एग्जिस्ट करता है। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द फ्यू डेवलपिंग कंट्रीज दैट नाउ हैज़ अ कोर करिकुलम, विच बाय द वे सिंध, हु वॉज अ वेरी ओपन अपोनेंट of the single national curriculum, is today the first province that has adopted the national curriculum of Pakistan from grades early years to 12th grade in one go. Why? Because Sindh understands that a minimum standard of education for all children, chahe wo madrasse mein hai, public school mein hai ya private school mein hai, with the ability to contextualize it, is the right way to go. So to answer your question ke what space is the single national curriculum leaving or the national curriculum leaving, it is a very open space ke agar aapka school advanced mathematics padhana chahta hai, languages pe focus karna chahta hai, aap zarur kare. Aap ek conservative side of society se hain, aapke bacche Dar-e-Arkam school mein padhte hain, madrasse mein padhte hain jahan pe wo hifz quran karte hain, zarur kare. That is additional content, but there is no exception on कि अगर आप मदरसे में पढ़ते हैं तो आप मैथ और साइंस नहीं पढ़ाएंगे। देर इज़ नो एक्सेप्शन कि क्योंकि आप एक अमीर घराने के बच्चे हैं तो आप उर्दू नहीं पढ़ाएंगे। यहाँ प्राइवेट स्कूल्स में इजी उर्दू ने इजी उर्दू भी एक सब्जेक्ट है, लोग इस पे फख्र महसूस करते हैं, हमारा बच्चा उर्दू नहीं बोलता। दैट इज़ द सिंगल नेशनल मिनिमम स्टैंडर्ड and that was the ethos of the national curriculum and remains, and that is why a lot of people who were swayed by just nonsense propaganda now get it, that it is the right way to provide contextualized education.